दोस्तों नमस्कार, आइए यमुनानगर की आज खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। CIA1 की टीम ने पकड़ी 50 ग्राम समेत केस दर्ज। अगली खबर हमारे पास आत्मपुरी कॉलोनी से आ रही है। सुने पड़े मकान में हुई चोरी, 60,000 के साथ 4 तोले सोना ले उड़े चोर, मामला दर्ज। सुंदर विहार कॉलोनी में सामाजिक संस्था के संचालक ने पकड़ा प्रतिबंधित पॉलीथीन का जखीरा, निगम अधिकारी कार्रवाई से हटे पीछे। नगर निगम की बैठक में करोड़ों रुपए की मिली यमुनानगर वासियों को सौगात, 60 प्रस्ताव किए पास। यमुनानगर के एक कार्यालय में CM फ्लाइंग की रेड। 24 तारीख को अम्बाला में होने वाले किसानों के मसीहा सर छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में रैली का न्योता देने के लिए गांव में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष। जिले में डेंगू का कहर, अब तक 587 के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे, डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया सिविल हॉस्पिटल में। बिलासपुर रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन की हुई बैठक। 24 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती पर अम्बाला मोड़ा में महारैली कर रेल रोकने का किया ऐलान। महिला आयोग चेयरपर्सन पहुंची यमुनानगर, कॉलेज के बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक। बिलासपुर LBS अस्पताल में ड्यूटी पर गए GNM नर्स नहीं लौटी घर, भाई ने पुलिस को दी शिकायत, मामला दर्ज। एंटी थेफ्ट सेल की टीम ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।